से हो आप लोग, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल अर्निंग में। जी हाँ दोस्तों, लाइव इंस्टेंट में 23 से 24 डॉलर क्लेम करके बताऊंगा, पेमेंट लेके दिखाऊंगा अकाउंट पे, बिल्कुल रियल लेजिट। और आप सबको भी यहाँ पे मिल सकता है 20 टोकन। अब 20 टोकन की वैल्यू की बात करें तो मैं आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन पे बता देता हूँ। अब आप सबको 20 टोकन सबको यहाँ पे मिलेंगे, पहले तो 27 मिल रहे थे, अब 20 टोकन, एक टोकन का रेट है 1.72 डॉलर, ठीक है, यानी कि ये देख सकते हो 34 डॉलर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, 34 डॉलर लाइव आप सबको भी यहाँ पे मिलेगा। ओके, इसलिए पूरा वीडियो को देखना है, एंड तक वीडियो में रहना है, हर एक चीज़ को बताऊँगा। और उसके लिए आपके पास खर्चा आएगा दोस्तों, खर्चा क्या आएगा आपको, एक, जी हाँ, एक डॉलर का खर्चा आपका आएगा, ठीक है, वो भी बता देता हूँ, सिर्फ एक डॉलर में। यही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने जा रही हैं, बहुत सारा बेनिफिट है। वीडियो में पूरा रहना है, एंड तक देखना है, हर एक को समझते जाना है। ओके, अभी तक अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो आप, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो है लिंक आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, पूरा ये लिंक कॉपी हो गया ना आपका। अब आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है, प्ले स्टोर पे एक वॉलेट आपको चूज कर लेना है, बिटकीप, ठीक है, इस तरीके से बिटकीप वॉलेट चूज किए हैं, ये है आपका वॉलेट, इस वॉलेट को इंस्टॉल कर लीजिएगा, देन इसमें अकाउंट बना सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट के ही जैसा है, बिटकीप बहुत ही फेमस है अभी, ठीक है, तो इसमें आपको अकाउंट बना लेना है, ठीक है, अकाउंट बन गया है आपका। अब दोस्तों आपको बाइनेंस अकाउंट पे जाना है, बाइनेंस पे आने के बाद आपको यहाँ पर मोर पे जाना है, इससे पहले $1 के आपके पास यहाँ पे अमाउंट होने चाहिए, BUSD या USDT कन्वर्ट कर सकते हो, BUSD रख लीजिएगा, मोर पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर ये देख सकते हो ये BABT, ये एक NFT है, ये आपको यहाँ से क्लेम करना होगा। ओके, और ये अगर क्लेम होगा तो फिर आप को अभी जो एयरड्रॉप बता रहा हूं उसमें आप काम कर पाओगे। ओके, करना क्या है आपको, सिंपली देख लीजिए, यहां पर आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, एक वॉलेट कनेक्ट करना है, यहां पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे, बिटकीप का जो आपने अभी वॉलेट बनाया था उसमें कनेक्ट कर देना है, साइन मैसेज आपको एक साइन कर देना है, देन गेट बैप टोकन, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे 1 BUSD कट जाएगा और वो NFT आपके वॉलेट में, अभी जो आपने यहाँ पर वॉलेट बनाया ना बिटकीप में, इसमें वॉलेट बनाया तो इसमें आपके पास वो आ जाएगा NFT, यहाँ पे NFT पे जाओगे तो यहाँ पर आपको वो NFT देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, सिंपल सी बात है, सब कुछ आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। तो आपको ये NFT पहले तो आपको क्लेम कर लेना है। अब आपको फिर से चले जाना है बिटकीप में, बिटकीप में आने के बाद यहाँ पर नीचे किधर चला गया, इसको मैं सरका देता हूँ, ये वाला है डेप्स दिख रहा है ना, इसमें क्लिक करना है और ऊपर जो आपने लिंक कॉपी किया था उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, देन गो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ चेन आपको सेलेक्ट करने हैं, इनमें से आपको ये वाला पॉलीगॉन वाला आपको सेलेक्ट करना है, इस वाले को। ओके, तो पॉलीगॉन पे सेलेक्ट कर देना है, देन इंटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये मेटामास्क से भी होता है पर मेटामास्क में ट्रांजेक्शन वगैरह का थोड़ा झमेला होता है, लोग उसको कर नहीं पाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आपको एक बाइंड का ऑप्शन आएगा, उसमें ऑलरेडी एड्रेस डला हुआ रहेगा, बाइंड पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से माइनिंग होने को मिलेगा, एक बार आप यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अब ये आप क्लेम करते जाओगे, इसको आपको क्लेम करते जाना है, ये वाला। और हाँ, थोड़े बहुत आपको इस वॉलेट में क्या आपके पास पॉलीगॉन होने चाहिए, पॉलीगॉन का, ठीक है, थोड़े बहुत 10-15 रुपए का पॉलीगॉन होना चाहिए, उसके बाद जो है क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन होंगे वो पॉलीगॉन के होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लेम कर लिया, अब देख सकते हो मैंने थोड़ा पुराना मेरा अकाउंट है तो मेरे 27 टोकन मिलेंगे, उनमें से अभी 2.5 मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं अभी जैसे कि बता दिया $23 क्लेम होगा, तो वो मैं तो गलत नहीं बताया, तो यहाँ पे 2.5 का तो नहीं हो सकता है, उतना रेट है नहीं, 1.72 इसका रेट चल रहा है या 74, तो ये मैंने क्लेम कर दिया। नीचे अगर आप यहाँ पर देखो तो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है,
और यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सब NFT है, ये वाला देख रहे हो ना, ये NFT है। कौन सी NFT? जूनियर NFT। इसकी कॉस्ट क्या है? 10 टोकन, 40 दिन का पीरियड रहेगा, 40 दिन तक, उसके बाद माइनिंग होकर आपको यहाँ पे 11 टोकन मिलेंगे। उसके अलावा अगर स्लाइड करूँगा तो ये वाला इंटरमीडिएट है, 100 टोकन इसका जो है रेट है। ठीक है, ये CD टोकन 100 टोकन लगेगा, ये NFT क्लेम होगा। 40 दिनों के अंदर 120 टोकन आपको वापस मिलेंगे। उसके बाद ये 1000 वाला मिल रहा है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट है, आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करने हैं। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, 1000 वाले में यहाँ पे 10000 में आपको यहाँ पे 14000 मिल रहे हैं, उसी के साथ यहाँ पे 1 लाख में 15, इस तरीके से यहाँ पर है। तो नीचे आपको यहाँ पर ये देखिए, ये बैलेंस मिल रहा है, तो इसको अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है। मैंने इसको देखिए क्लेम कर दिया है, ये अभी तक क्लेम, ये देखिए क्लेम सक्सेस हो गया। तो यहाँ पर अमाउंट में थोड़ा सा यहाँ पर मेरा इजाफा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए रिफ़्रेश बटन है, इसको मैं रिफ़्रेश कर लिया। ये एक अभी देखिए पूरा देखना है दोस्तों, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जिनको अभी मैंने बताया नहीं आपको। ओके, देन अभी क्या करना है आपको, सिंपल सा यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है आपको। ओके, मोर पे क्लिक करोगे ना, फॉर मोर, इसमें आओगे, देन यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे देखिए आपके यहाँ पे रेफ़र लिंक आपको मिल जाएगा। ये लिंक यहाँ से कॉपी करके जो है आप रेफ़र कर सकते हो दोस्तों, इसका भी आपको 10% जो है यहाँ पे मिलता रहेगा, जैसा कि इन्होंने बता दिया है। ओके, तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे रेफ़र से कीजिएगा, क्योंकि आपका हक बनता है कि मेरे थ्रू आपको अगर ये पता चल रहा है तो मेरा रेफ़र कोड यूज़ करना है। अब देखिए रेवेन्यू पर यहाँ पर क्लिक करना है, रेवेन्यू पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं यहाँ पे नीचे देखिए, दो NFT दिख रही है, एक तो जूनियर वाला, एक इंटरमीडिएट वाला। तो ये कैसे मिला दोस्तों? अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए तारीख आप देख लीजिए दोनों का तारीख अगर देखोगे ना, तो ये 7 मार्च है। ओके, और ये है 8 मार्च को, यानी कि 7 मार्च को ऊपर जूनियर वाला, हाँ ये वाला मेरा माइनिंग कम्प्लीट होगा, और 8 मार्च को ये वाला होगा। कितना? ये वाला 120 और ये वाला 11, दोनों का मेरे पास है। मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे दोनों मुझे मिले हैं। कैसे मिले हैं? यहाँ पर आपको आके यहाँ पे क्लेम करना होगा। ये देखिए रिवॉर्ड्स रिसीव, दो बार क्लेम करोगे यहाँ पे, एक बार ट्रांजैक्शन में नहीं होता है तो। ओके, तो ऑटोमेटिक ये माइनिंग पे लग जाएगा ये NFT, और ये फिर आपका यहाँ पे टोकन जो है, ये टोकन आपको मिलेगा यहाँ पे यील्ड में आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसा कि अभी मुझे 3.5 मिल चुका है। बाकी ये देखिए रेवेन्यू है, यानी कि आपने जो रेफ़र किया है उसका कुछ यहाँ पे फ़ी मिल रहा है आपको। तो मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे रेवेन्यू क्लेम कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे जो रेवेन्यू फ़ी है वो 0 हो चुका है, मैंने इसको क्लेम कर लिया। ये वाला क्लेम नहीं करूँगा, 3.5 है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं 8 मार्च को ही सारा का सारा एक साथ जो है करूँगा, क्योंकि मेरा 120 और 11 131, यानी काफ़ी बड़ा मुझे यहाँ पे बेनिफिट होएगा। अब यहाँ पे क्रेडिट ड्रॉ पे क्लिक कर देना है, इसमें ये इस जगह पे क्लिक कर दोगे ना तो सीधे वापस एकदम मेन पेज पे आ जाओगे। नीचे अगर मैं यहाँ पे बैलेंस की बात करूँ तो मेरा 13.47 यहाँ पे दिख रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हिसाब पे चलता हूँ कैलकुलेटर पे, और यहाँ पे मैं कितना करता हूँ, 13.22। ठीक है, इसको अगर इंटू करूँगा 1 पॉइंट कर लूँगा मैं, इसको कितना करता हूँ 1.72, इतना ही रेट है, मैं अभी दिखाऊंगा। तो अभी देखिए 22.37 है, हालांकि मेरा अभी और 3.5 यहाँ पे ऐड होएगा, तो उसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर 3.5 में ऐड कर लूँ तो अच्छा खासा हो जाता है, यानी 13.5 यहाँ पे मैं कर लूँ तो टोटल यहाँ पे मेरा 17 हो रहे हैं। तो मैं 17 को इंटू करूँगा, $1.29 का मुझे यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, लेकिन मैं उतना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी सारा क्लेम नहीं किया। अब इसको अभी क्या है, ये बैलेंस को अगर आपने अभी सेल करना है, इंस्टेंट के इंस्टेंट अगर क्लेम करना है, क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आना है ट्रेडिंग पे। ठीक है, देखिए एक एक चीज़ें मैं आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाओ। ट्रेडिंग पे क्लिक करोगे, मैंने 1.272 बताया, 1.74 यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखिए ये लोग बायर हैं, बाय करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर देखिए अमाउंट में 2 है, यानी 1 से लेकर 2 ही ये बाय करेंगे। नीचे वाला और एक मुझे यहाँ पे मिल चुका है, देखिए यहाँ पे 10। ठीक है, मुझे तो 13 है, तो मैं 20 वाला यहाँ पे ढूँढूँगा। ठीक है, कम से कम जो 20 लेते हूँ ऐसे को ढूँढूँगा मैं यहाँ पर। तो किधर गया, ये देखिए 18 वाला ये है, ये 18 टोकन ले रहे हैं।
कम से कम इसका अमाउंट का लिमिट है 1 से लेकर 18, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, सीधे सीधे सेल पे क्लिक कर दूँगा, कोई यहाँ पे झमेला नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल इजीली काम बन जाता है। मेरा यहाँ पर देखिए कितना है, 13.4 यहाँ पे बैलेंस दिख गया, 13% जो है आपका फ़ी कटेगा। ये दोस्तों आप अगर रेफ़र करते हो, ये जो मैंने अभी जो फ़ी वाला क्लेम किया ना, रेवेन्यू फ़ी, तो वो कहाँ से, यहीं से किया था। अब मैं इसको क्या कर दूँगा, मैक्स पे क्लिक करूँगा तो 18 यहाँ पे लेंगे, क्योंकि 18 इनका लिमिट है, लेकिन मुझे ये मेरा यहाँ पे 13 है। 13 अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो शायद कि मेरा 13 यहाँ पे सेल नहीं होगा, $22 रिसीव होंगे। मैं कंफर्म पे अगर क्लिक करना चाहूँ तो ये देखिए नहीं होगा, कितना कम से कम यहाँ पे 30% का फ़ी रखना होगा ना, तो मैं 12 कर लेता हूँ यहाँ पर। 12 का मुझे कितना, $20 अभी मिल रहे हैं, नीचे देख लीजिए आराम से, ये $20 मुझे मिल रहे हैं, 12 भी नहीं हुआ। अगर 11 करूँ $19 मिल रहे हैं, 12 भी, 11 भी नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, 10 करके देखता हूँ, 10 तो हो जाने चाहिए भाई, हाँ 10 हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो मैं अभी अभी कितना डॉलर का आपके सामने निकाल रहा हूँ। ये मैं क्लेम कर लूँगा इसको अभी आपके सामने, तो मेरा यहाँ पे हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे फिर से क्रेडिट डाओ पे क्लिक करूँ ऊपर और नीचे यहाँ बैलेंस देखूँ, तो बैलेंस में मेरा यहाँ पे देख सकते हो 0.4 ही ओनली बचे हैं, यानी कि अच्छा खासा तगड़ा सा यहाँ मेरा फ़ी कट रहा है। चलिए जाने दीजिए, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर दिया। अब मैं अगर चलूँ बिटकीप वॉलेट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे बिटकीप पे चला जाता हूँ, सीधे सीधे ओपन करता हूँ बिटकीप, किधर गया, अरे यार यही तो बिटकीप है। अगर यहाँ पे बैक करता हूँ, बैक आने के बाद वॉलेट पे आता हूँ, वॉलेट पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर USDT पॉलीगॉन वाला, ठीक, ये देखिए मैटिक चैन वाला, ये वाला, इसको मैं एनेबल कर लेता हूँ। एनेबल कैसे करूँगा, यहाँ पे टिक कर दूँगा, ये ऐड हो गया सक्सेस, देन बैक चला जाता हूँ। देख सकते हो मेरा यहाँ पे अमाउंट बढ़ चुका है। अब वॉलेट पे आया, वॉलेट पे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कितने 17 इतने डॉलर मुझे अभी मिल गए हैं। मैं इसको अगर चाहूँ इंस्टेंट के इंस्टेंट अभी यहाँ से मैं कर लूँगा विड्रॉ बाइनेंस के अंदर। देख आपको दिखा देता हूँ भाई, दिखा देता हूँ, ठीक है। बाइनेंस पे आया, बाइनेंस पे आने के बाद मैं यहाँ पर चलता हूँ वॉलेट के अंदर, वॉलेट के अंदर आने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे स्पॉट में, ठीक है। स्पॉट देख लीजिए, स्पॉट में आ गया। स्पॉट में आने के बाद यहाँ सर्च पे जाता हूँ, सर्च पे क्लिक किया, ठीक है। सर्च पे क्लिक करने के बाद USDT ऐसे सर्च किया, ये देखिए USDT यहाँ पे दिख गया, ठीक है। सर्च पे क्लिक किया तो अब यहाँ पर USDT पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर नीचे देखिए इस जगह पर डिपॉजिट है, इसमें मुझे क्लिक करना है। डिपॉजिट में दबा दिया। अब यहाँ पे चैन आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा चैन, ये वाला चैन आपका रहेगा, पॉलीगॉन वाला, ये वाला, ठीक है, पॉलीगॉन वाला। देन ये देखिए एड्रेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस जगह क्लिक करोगे ना ये एड्रेस पूरा कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो गया। अब चले जाता हूँ किस में, अरे ये तो बैब वाला है, चलिए इसको हटा देता हूँ, ये बिटकीप वॉलेट पे चला जाता हूँ। USDT पे गया, देन यहाँ पे देखिए नीचे क्या मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है सेंड, ठीक है। मैंने अभी आपके सामने पेमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, एड्रेस पेस्ट करूँगा, अमाउंट फुल का फुल मैं कर देता हूँ, ठीक है। मुझे पॉलीगॉन मैटिक में फीस लग रहे हैं, इसलिए मैंने 10-15 रुपये का मैटिक रखने को कहा था। अब वो मुझसे मांगने मत लग गया ना, क्योंकि जब मेरे पास था मैंने अनाउंस कर दिया था, काफ़ी सारे लोगों को मैंने यहाँ पे मैटिक दिया, लेकिन अब नहीं दे पाऊँगा। ये देखिए 1 रुपये से भी 2-3 पैसे लग रहे हैं फीस मैटिक टोकन में। अब यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा, यहाँ पे जो पिन रहेगा उसको मैं इंटर करके यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ आगे का। कंफर्म पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है। थोड़ी देर में देखिए ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा अभी का अभी दोस्तों। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 17.4, ठीक है। अब सीधे चलता हूँ बाइनेंस पे, कोई झोल झाल नहीं है, डायरेक्टली दिखा रहा हूँ आपको, ओरिजिनल तरीके से है। हाँ, आप ऐसा मत समझिएगा कि इधर का उधर कर रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है। ओके दोस्तों, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। ओवरव्यू पे जाऊंगा, यहाँ $14 का मेरे पास फंड है, लेकिन अभी अगर यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए एक यहाँ पे 13 सेकंड पहले USDT का एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है। अगर स्पॉट पे जाऊं और यहाँ पे क्लिक करूं, आप नहीं समझ पाओगे, ओवरव्यू पे था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पॉट पे पहले क्लिक करूँगा, स्पॉट पे क्लिक किया, देन इस जगह पे क्लिक करूँगा, ये वाला, ठीक है। तो इस जगह पे क्लिक करूँगा ना, तो अब देखिए ऊपर यहाँ पे डिपॉजिट पे मेरा सेलेक्ट है, यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से ट्रांजैक्शन मेरे पास क्या हो रहा है। तो अभी देखिए ये कंफर्म हो रहा है 17.4 वाला, $17.4 का दिख रहा है ना आपको सब कुछ क्लियरली, ये देख सकते हो बड़ा करके। अभी तक कंफर्म भी नहीं हुआ है, ये वाला अभी कंफर्म हो जाएगा, मैटिक नेटवर्क पे है, टाइम सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, डेट वगैरह बिल्कुल आराम से। तो अब करना क्या है, ये मैंने तो आपको पूरा डिटेल दिखा दिया, आपको क्या करना है
दोस्तों आपको क्या करना है, क्या करना है मतलब तो आपको इसमें ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, लिंक में आके सबको यहाँ पे ज्वाइन करना है। और हाँ, उससे पहले बाइनेंस का अकाउंट नहीं बनाया है तो बाइनेंस में अकाउंट बना लीजिए पहले, ठीक है। बाइनेंस में अकाउंट बनाने के बाद फिर क्या करना है, आपको एक बैब आपको यहाँ पे क्लेम कर लेना है, सिंपल सी बात है। और ये जो बैब आप यहाँ पे क्लेम करोगे ना, तो क्लेम करने में वो एड्रेस वही रखना है जिस एड्रेस को आप यहाँ पे एड्रेस वही कनेक्ट करना है, वही वॉलेट जो बिटकीप में है, क्योंकि मेटामास्क में बहुत सारे लोग इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं ट्रस्ट वॉलेट वाला, और ट्रस्ट वॉलेट के डेप्थ सेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। बिटकीप में बहुत इजीली काम हो रहा है, इसलिए मैंने वो चीज़ दिखाया, ओके। तो वही वॉलेट यूज़ करना है जिसको बिटकीप में यूज़ करते हो, ओके। देन यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, आपको इसमें सिंपल से आके इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन यहाँ पे रहेगा, लॉगिन पे क्लिक करोगे, इस जगह पे लॉगिन पे दो बार क्लिक करोगे, दो ट्रांजैक्शन लगेंगे, हो जाएगा। देन यहाँ पर बाइंड रहेगा, एड्रेस ऑटोमेटिक फिल रहेगा, अगर नहीं रहता है तो मैं टेलीग्राम पे एड्रेस दे दूंगा, उसको लेके आप बाइंड कर देना मेरा एड्रेस लेके, सिंपल सी बात है। फिर जो है आपकी यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, 20 टोकन आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी अगर आप रेफ़र करना चाहो रेफ़र करोगे, फोर मोर पे जाओगे, यहाँ पे उसकी रेवेन्यू भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इस जगह पे आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाला क्लेम कर लेना है पेंडिंग रेवेन्यू में। आपको NFT मिल सकता है, इंटरमीडिएट वाला भी मिल सकता है, या फिर जूनियर वाला भी मिल सकता है। जूनियर वाले में भी 11 है, अगर 11 को भी अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो तो अच्छा खासा बन रहा है। अगर 11 को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 1.74 है यार, 74 तो $19। और अगर आपको मिल जाता है कहीं इंटरमीडिएट तो 120 गुना कितना हो रहा है, $1.74, यानी कि $208, समझ रहे हो ना। तो मैं 8 मार्च को कितना यहाँ से क्लेम करूँगा, कितना क्लेम करूँगा, $131 में क्लेम करूँगा, सिंपल सा इतना, यानी कि 227। और एक चीज़ है, जब से ये देखिए ये शुरू हुआ है 1.42 में, 52 से लेकर अभी जो है इसकी प्राइस देख सकते हो 1. कितना हो गया, 74 हो गया, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रहा है कुछ, क्योंकि इसका कुछ अलग से यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, ठीक है। इसने जो अपने टोकन की जो मॉडल बनाया है वो बहुत तगड़ी बनाया है, जिस वजह से घट नहीं रहा है। मैं 1.52 से शुरू किया और अभी देख सकते हो 1.74 तक चला गया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है। और अभी तो मार्केट की कंडीशन और अच्छी होती जा रही है, ठीक है। तो फिर तो यहाँ पे और भी अच्छा हमें यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा टाइम आने पर, ओके। और यहाँ पे बाकी अगर आप यहाँ पे बाय सेल करना चाहो, ऑर्डर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ओके। तो बस दोस्तों ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। सारे लोग इसमें ज्वाइन कर लीजिए, सारे लोग यहाँ से बेनिफिट करिए। अगर तब तक मैं बाइनेंस में जाके देखूँ तो शायद के बाइनेंस में मेरे यहाँ पे अमाउंट आ चुके हैं, यहाँ पे हो चुके हैं, मैं देख लेता हूँ। ओवरव्यू पे अभी तक आया नहीं, प्रोसेस में है यार, क्यों ऐसा क्यों है, प्रोसेस में ही अभी तक दिखा रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा। देन इसको मैं P2P करूँगा और P2P करके मैं यहाँ से फिर इसको निकाल लूँगा, अपने बैंक में कैश कर लूँगा। ये देखिए आपको दिखाते ही दिखाते कंप्लीट हो गया। अब बताओ भाई, $17 का अभी अगर मैं P2P करने जाऊँ तो अभी देखिए यहाँ पे $17.4 का मुझे कितना मिलेगा। ये सेल पे गया, ये फिल्टर पे गया, फिल्टर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे 1000 डालता हूँ, देन UPI, गूगल पे, ये दो पेमेंट मेथड है, यहाँ पे ऑल करता हूँ। 86 ऊपर वाला ही सबसे पहले पकड़ लेता हूँ, इसी को 95% का है। अगर यहाँ पे $17.4 डालूँ तो देख सकते हो 1497 रुपये, यानी कि मेरा लगभग 1500 रुपये का आपको यहाँ पे लाइव पेमेंट करके दिखाया। मैं इसको 2 मिनट में अभी कर सकता हूँ P2P, ठीक है, 2 मिनट के अंदर मैं इसकी पेमेंट ले सकता हूँ, ठीक है। आप लोग भी जानते हो, बाइनेंस की बात है, मेरा अकाउंट में आ भी गया है, तो कोई फेक नहीं है इसमें, सारे लोग वर्क कीजिएगा दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट न्यू ईयर ड्रॉप के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।